और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट को लॉन्च किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला और पूर्व सरकार की निवेश नीति पर खासतौर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव जमीन बेच दी, जिसमें 10 रुपए बीघे के हिसाब से उद्योगपतियों को जमीनें दी गई, लेकिन अभी तक एक भी उद्योग नहीं लगा है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, फाइनेंस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, तो प्रदेश की परिस्थितियां को देखकर ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आप देखते होंगे कई जगह पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह पे समय पर नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसी व्यवस्था पिछले 40 साल से चला रही थी जिसने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कभी सोचा गया। हमारी आर्थिक संपदा लूटती गई, हमें पता भी नहीं लगा और आज हम आर्थिक बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों उद्योगपतियों की मीटिंग में कभी मैंने कहा कि हमने अपनी संपदा को लुटा दिया है। मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसी इन्वेस्टमेंट नीति पिछली सरकार लाई जहां हमारी जगह कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दी और अभी तक उद्योग एक भी नहीं लगा। 1000 करनाल जगह 40 लाख की लीज पर दे दी जाती है, यानी कि उसकी अगर एक बीघे की कीमत लगाई जाए तो 10 रुपए बीघा के हिसाब से वो दे दी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश विकास कहां करेगा? और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम सुक्खू ने खास तौर पर यहां पर उद्योगपतियों को लेकर बड़ी बात कही है पिछली सरकार के हिसाब से। अभी यहां पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब सीधा हमला वो बोल रहे हैं पूर्व सरकार पर। बिल्कुल हिना, पूर्व सरकार के ऊपर और पूर्व सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर ये बड़ा हमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से उठाया गया है। जिस प्रकार से पूर्व की सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी विधानसभा चुनावों में, लोगों के बीच में पूर्व सरकार इस इन्वेस्टर मीट और इन्वेस्टर पॉलिसी को लेकर गई, उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने। और एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 10 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई, इंडस्ट्रियलिस्ट को परोसी गई और बड़ी बात यह है कि उस जमीन के ऊपर कोई इंडस्ट्री कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। यह भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि यही पॉलिसीज जिम्मेदार हैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए। जो आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है उसके लिए यही पॉलिसीज जिम्मेदार हैं। जब हम इतने सस्ते दामों पर जमीन उद्योगपतियों को परोसते हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश कैसे सेल्फ डिपेंडेंट रह सकता है, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। इसके अलावा एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि पिछले 40 वर्षों से जिस प्रकार से पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की रही है हिमाचल प्रदेश में, उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा नहीं है। क्योंकि इन पिछले 40 वर्षों में चाहे जो भी सरकारें रही हों, भाजपा की रही हों, कांग्रेस की रही हों, उन सरकारों में सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में नहीं सोचा गया और ना ही कोई रिसोर्स जनरेशन के ऊपर सोचा गया। अब जाकर जब वर्तमान में उनकी सरकार आई है तो वाटर सेस जैसी योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए उन्होंने कहा कि वाटर सेस को लेकर केंद्र सरकार तक कांग्रेस गई है, प्रदेश सरकार गई है। और हाल ही में जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश आए थे तो लंबी बात उनके साथ वाटर सेस के ऊपर हुई है और हिमाचल सरकार इस वाटर सेस को लागू कर रहेगी और
का जो एक रिसोर्स जनरेशन का कदम प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया है, इससे लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को दिलाया जाएगा और सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर बढ़ा जाएगा। एक और बात उन्होंने कही कि जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में आएंगी, चाहे वो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में है, सोलर पावर के क्षेत्र में है, टूरिज्म के क्षेत्र में है, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लाभ पहुंचाए जाएंगे, रियायतें दी जाएंगी, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी उन्होंने आमंत्रित इन्वेस्टर्स को किया है। इसके अलावा नाबार्ड का आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने। आज अपने भाषण में कहा, जब वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो सालाना कार्यक्रम होता है उसमें स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नाबार्ड के चेयरमैन के साथ लंबी चौड़ी उनकी बैठक रात को 1 बजे तक हुई और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला कि हिमाचल प्रदेश को 300 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं और कम रियायत पर, कम लोन पर ये बसें मिलेगी, ब्याज दर काफ़ी कम नाबार्ड की तरफ से रखी गई है और 3 साल के अंदर ये सभी 300 बसें हिमाचल प्रदेश को मिलेगी और कोशिश की जाएगी जो पूरा फ्लीट हिमाचल प्रदेश में डीजल बसों का है उसको इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये भी बड़ी बात हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से हम कह सकते हैं। लेकिन आज पूरी स्पीच जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के फंक्शन में मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई उसमें पूर्व सरकार को कटघरे पे खड़ा किया गया। इसके अलावा पूर्व में 40 वर्षों में जिन जिन सरकारें जो हिमाचल प्रदेश में रही उनके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से लगाया गया कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या कोई बड़ा जो ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे हिमाचल प्रदेश सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और एक और जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस कदर खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति, कि अब जो सैलरी और पेंशन कर्मचारियों को दी जाती थी वो भी तय समय पर नहीं दी जा रही है, डेट्स आगे पीछे हो रही हैं, तो इस कदर स्थिति खराब हो गई, चाहे वो फिर बोर्ड और निगमों की बात हो या फिर सरकारी विभागों की। पहले सैलरी फिक्स डेट पे आती थी लेकिन अब वेरिएशन इस डेट्स में होने लगी है, तो अब आगे आगे देखना होगा कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे पूरी तरह से पूर्व की जयराम सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए और पूर्व की 40 वर्ष बिल्कुल राजेंद्र, देखना अहम रहेगा कि अब इस पर जिस प्रकार की जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से खास कर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और लगातार जिस तरह से सियासी पारा वहां पर गरमाया हुआ है उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला अध्यक्षों की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रतिभा सिंह ने यहां कहा कि निष्क्रिय कार्यकर्ता पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, वहीं सक्रिय यानी जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उन्हीं को पार्टी में जगह दी जाएगी। इसके अलावा आगे के फैसले जिला अध्यक्षों की फीडबैक पर ही लिए जाएंगे। यहां प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं को एकजुट होने के निर्देश भी दिए। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार व्यक्त करना है और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कहाँ हमें कमजोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए, तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको हमने संगठन में कोई ना कोई पदभार देना है, जो लोग निष्क्रिय रहे जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया उनको भी पदभार मुक्त किया जा सके। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है, पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपने फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता।
भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, सुरेंद्र शौरी और पूर्णचंद ठाकुर भी मौजूद रहे। और इस दौरान कुल्लू जिले के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में भांग की खेती को लीगल करने की मांग सरकार से की। भांग की खेती को लेकर हमारे सरकार ने जो है एक सर्वदलीय कमेटी का जो गठन किया है और इस कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया है कि भांग की खेती किया जा सकता है या क्या उपयोगिता उसका रहेगा, क्या कानूनी पहलू है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कमेटी का गठन हुआ है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और काम किया है कि पहली बार जो इस कमेटी को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जनता की राय लेने का भी जो है दायित्व दिया है। तो इसी संदर्भ में आज हमने शुरुआत की है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कुल्लू से ये शुरुआत हुआ है। आज जो यहाँ पर जन समर्थन हमें मिल रहा है, सारे चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि जिसमें 200 से ऊपर पंचायत के प्रधान यहाँ स्वयं आकर उन्होंने प्रस्ताव के रूप में इसका समर्थन किया है, तो वाकई हमें ये लग रहा है कि इसका व्यापक जो है लोगों के अंदर जो है जानकारी भी है। इसका जो मार्केट है वो हजारों करोड़ में है और हमारे पड़ोसी राज्य अगर इसमें अगर कोई फायदा नहीं होता तो उत्तराखंड में पॉलिसी नहीं आनी थी, मध्य प्रदेश में पॉलिसी नहीं आनी थी। तो आज तो कंपटीशन का ज़माना है और हिमाचल का नाम सबसे अच्छा है इस खेती के लिए, विदेशों से लोग आने को तैयार हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो पड़ोसी राज्य उसका फायदा उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जैसे केंद्र सरकार भी कह रही है मेडिकल रिसर्च होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो हिमाचल का यूनिक प्रोडक्ट है उसकी GI टैगिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं, GI टैगिंग करवाएं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो और फिर हम लोगों को लीगलाइज तरीके से इसको उगाने के लिए प्रेरित करें। रही मेडिकल की बात, तो भांग का जो पौधा है उसका एक प्रोडक्ट जिसको चरस कहा जाता है केवल वो NDPS एक्ट की वजह से प्रतिबंधित है, बाकी ओवर द ईयर इसका ऐसा टैबू बन गया है कि लोगों को लगता है कि भांग जब भी शब्द आए तो मींस नशा। ऐसा नहीं है, भांग के पौधे के नशे के अतिरिक्त बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप यहाँ स्टॉल लगे उनको भी देख सकते हैं कि कपड़ों से लेकर तेल, साबुन, पानी, वो बहुत सारी चीज़ें, ईंटे, जूते, हर चीज़, कागज़। तो ऐसी स्थिति में जैसे जिन प्रोडक्ट के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है, जंगलों का कटान। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को 3% महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। पर्यटन निगम की बैठक निगम के अध्यक्ष रघुवीर वाली ने इसमें ऐलान किया। सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस डिपार्टमेंट को पुनः हमको बिल्कुल चमकाना है, इसको नंबर 1 डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का बनाना हम सबका संकल्प है, क्योंकि पूरा देश इस डिपार्टमेंट को देखता है, पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और MD महोदय जो साथ में बैठे हैं अमित कश्यप जी और पूरी टीम जो है वो रात दिन इसके ऊपर प्रयत्न कर रही है, काम कर रही है। तो नई स्कीम, नई चीज़ें लाना, अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इम्प्लॉयज भी आगे बढ़े। अभी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि जो DA है उसको इंक्रीज किया जाए और DA का जो 33% से 34% इंक्रीज करने का जो फैसला है वो सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने लिया, सरकार ने लिया। एक के बाद एक और अहम खबर। बिलासपुर के कंदरौर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विधायक त्रिलोक जामवाल के सहयोग से दूसरे नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया, जहां जयराम ठाकुर ने जांच शिविर आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्री की सराहना की। साथ ही यहां उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला भी बोला। प्रसन्नता इस बात की है कि सुबह के पहले 3 घंटों में ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1800-1900 पार कर गया, यानी कि आज भी लगभग 3000 से ज़्यादा लोग
अपना नेत्र जांच भी करवाएंगे, निशुल्क करवाएंगे और मुफ्त में चश्मे भी पाएंगे। ये प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, गरीब और ज़रूरतमंद पर बोझ ना पड़े और सुविधाओं को उनके घर घर तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तो हिमकेयर योजना का लाभ भी प्रदेश के लाखों परिवारों को मिला। इसी तरह से ही देश की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, 60 करोड़ लोगों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला। एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज से लेकर अन्य अस्पतालों की सुविधा केंद्र और राज्य की सरकारों ने मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी ने दी। ये अपने आप में दिखाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व योगदान है, चाहे वो केंद्र की मोदी की जी की सरकार हो या प्रदेश में जयराम जी की सरकार हो। मैं सबसे पहले तो भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में त्रिलोक जम्वाल जी के इलाके में यहाँ ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का जो शिविर लगाया गया है और ये प्रयास में मैं कह सकता हूँ कि बहुत पुण्य का काम है और प्रयास संस्था को भी बहुत बधाई देता हूँ मैं। और लगातार इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार के सेवा के कार्य, स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को बेहतर ढंग से मिल सके, उस दृष्टि से अनुराग ठाकुर जी ने बहुत बेहतरीन काम किया और हिमाचल प्रदेश में भी और जगह भी इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता महसूस होती है और प्रयास संस्था के इस प्रयास को भी मैं साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत। 6 महीने का कार्यकाल वर्तमान सरकार का आज हो पूरा है, आज 11 तारीख, पूरे 6 महीने पूरे, और 6 महीने के कार्यकाल में चारों तरफ निराशा का एक माहौल, आउटसोर्स कर्मचारी निकाल दिए गए, हेल्थ सेक्टर में जो कोविड के दौरान जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया, आउटसोर्स में नर्सिस हैं उसमें, फार्मासिस्ट हैं उसमें, वार्ड बॉयज हैं, उनको 6 महीने से लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई, पैसा नहीं मिल पाया, सब कुछ मैं चिंता का विषय हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ खासतौर से आज तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं दे रहे हैं उनके प्रति सरकार को गंभीरता से उनके लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए और 6 महीने के इस कार्यकाल में सचमुच में एक बहुत बड़ी निराशा की बात सब जगह देखने को मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल नूरपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा नूरपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी डॉ राजीव भारद्वाज ने कहा कि नूरपुर में सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोश के साथ स्वागत किया जाएगा। जहाँ कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नड्डा जी, ये हमारा जिला का नवनियुक्त कार्यालय है, इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसी कार्यालय का शिलान्यास भी नड्डा जी ने किया था और उद्घाटन भी नड्डा जी के कर्तव्यों का हो रहा है। कल सुबह 10 बजे इस कार्यालय में पहुँचेंगे और इसका पूजन करके विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इस जो जिला नूरपुर का भाजपा का भव्य कार्यालय बना है, इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और इस उद्घाटन के सिलसिले में पूरे जिला नूरपुर में एक सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और बड़े जोश के साथ आदरणीय नड्डा जी का यहाँ स्वागत भी होगा और एक बहुत भव्य जनसभा इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वाइब्रेंट संगठन है, इसमें बहुत पहले से हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जनसंपर्क, महाजनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, हमने बूथ सशक्तिकरण अभियान पिछले 1 महीने से चालू कर दिया है और अब उस के बीच में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम आया, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा जो एक कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम है, उसको धार देने के लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी नूरपुर जिला में आ रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल से 14 जून तक हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, ये जानकारी दे रहे हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्ण नंदा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये दौरा हिमाचल प्रदेश का उनका रहेगा और संगठनात्मक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा जो है हिमाचल प्रदेश का जगत प्रकाश नड्डा जी का रहने वाला है। कल सुबह वह जिला संगठनात्मक नूरपुर पहुंचेंगे, वहां पर जिला नूरपुर के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके उपरांत वह जसूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत वह बृजेश्वरी माता मंदिर मत्था टेकेंगे, ज्वाला जी माता के मंदिर मत्था टेकेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के साथ एक शिष्टाचार भेंट करेंगे। अंत में 12 तारीख को हमीरपुर में ही कोर ग्रुप का एक बैठक होगा जिसके अंदर आगामी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की डिस्कस होगी। संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा केंद्र में सत्ता में आएगी। पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत पावंटा साहिब पहुंचे सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता की। लक्ष्य यही है कि 9 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा गया, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण करके माता बहनों की इज्जत का बरकरार रखा गया और इसके साथ साथ जिस प्रकार से 11.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उनके खातों में डाला जाता है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री के आवास बनाकर गरीबों को घर देने का काम किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने देखा कोविड की महामारी के समय में 140 करोड़ लोगों के देश में 3-3 डोज वैक्सीन के फ्री दिए गए और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और एक दाल देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय में और 28 महीने से लगातार चला हुआ है, तो ये सारी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना, इसी लक्ष्य के साथ हमारा ये कार्यक्रम पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में और आज कोटा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य हम लेकर चलें कि 2047 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 में फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और पिछली बार 303 इस बार 400 के पार, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा आज का यह कार्यक्रम कोटा विधानसभा क्षेत्र। और अपना हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Headlines presented by Pet Safari.